हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये डोरमेट स्वेटर वाले ऊन से बनाया गया है और बहुत ही कम समय में बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डोरमेट देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊन को किस तरह से लपेटा जाएगा उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊन ले लेंगे। इसको भी चार बार लपेटने के बाद एक तरफ नोट्स लगा लेंगे और इसी तरफ सेफ्टी पिन भी लगा लेंगे इसके दूसरे तरफ से। यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। एक और ऊन लेंगे हम येलो कलर का। इन तीनों ऊनों को एक में करके अपने तीनों उंगलियों में एक बार लपेटना है। लपेटने के बाद ग्रीन वाले ऊन से हम फंदे बनाएंगे और इस ऊन को हम दबा लेंगे। इस तरह से दबाने के बाद अब ग्रीन वाले से फंदे बना रहे हैं। देखिए आप लोग, इस तरह से फंदे बनाते हुए ये रिंग तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बनाने के बाद अब हम येलो वाले ऊन से बनाएंगे फंदे। यहाँ पर हम दो फंदे बनाएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आप लोग, यहाँ पर हम दो फंदे बना लिए हैं। इसके बाद हम ग्रीन वाले ऊन से फंदे बनाएंगे। देखिए आप लोग, उसके अगले फंदे में फिर हम दो फंदे बनाएंगे। हर फंदे में फंदे बनाएंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पे फंदे हम बिल्कुल भी फंदे नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर फिर येलो वाले ऊन से दो फंदे बनाएंगे। इस तरह से एक एक फंदे में दो दो फंदे बनाते हुए ये लाइन तैयार करेंगे। इस डोरमेट में जितना फंदे पहले लाइन में हम बना लेंगे उतने फंदे में पूरा डोरमेट बनाएंगे। इस तरह ये लाइन तैयार करेंगे। देखिए आप लोग, इस तरह से पहला लाइन तैयार कर लिए हैं। येलो वाले फंदे में येलो वाले ऊन से ही बनाएंगे। फिर इसके बाद ग्रीन वाले फंदे में ग्रीन वाले ऊन से बनाएंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पर ग्रीन वाले ऊन से बनाएंगे। देखिए आप लोग, इस तरह से इस डोरमेट में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस डोरमेट में जहाँ कहीं भी समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फंदे में फंदे बनाते हुए ये लाइन तैयार करेंगे। देखिए आप लोग, अब इसी तरह से हम पूरा डोरमेट बनाएंगे। फंदे में फंदे बनाएंगे, फंदे के बगल में फंदे नहीं बनाएंगे। इस डोरमेट में फंदे में ही फंदे बनाएंगे। इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं फंदे में फंदे बनाते हुए। अगर आप लोग को काफ़ी बड़ा बनाना हो तो आप लोग को फंदा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बीच बीच में आप फंदे बढ़ा कर तब बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा डोरमेट बनाया जाएगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।